तो गाइज आ चुके हैं हम लोग अपनी एक नई वीडियो के साथ, और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं शेक साहब के शेक, और ये ब्रांच है यमुना विहार में। तो अभी हम लेने वाले हैं दो शेक्स, एक है न्यूटेला शेक और एक वनीला शेक। जो अभी आप वीडियो में देखोगे तो ये आ गए हैं दोनों। तो जो न्यूटेला शेक है वो कॉस्ट करता है 130 रुपीज़, और जो वनीला शेक है वो कॉस्ट करता है 70 रुपीज़। तो दोनों ही शेक्स हम ट्राई करने वाले हैं। वनीला शेक भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और न्यूटेला भी। तो चलिए पहले वनीला ट्राई करके देखते हैं। करिए भाई ट्राई, कैसा टेस्ट लगा? इसका टेस्ट बहुत ही यमी है और टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो वनीला का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। नहीं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, देखने में तो बहुत ही यमी लग रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं भी पी लूँ, लेकिन मैं अपना पीऊँगा जो कि न्यूटेला शेक है, मैं तुम्हारा नहीं पी रहा। तो चलिए मैं पीता हूँ, अब बताओ कैसा लग रहा है तुम? ये तो लग रहा पीने में ही व्यस्त हो चुके हैं, ज़्यादा इन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। भाई पीने तो देते भाई, टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका। इतना ठंडा शेक है और पूरा न्यूटेला का फ्लेवर आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि खाली नाम रख दिया हो, पूरा चॉकलेटी न्यूटेला का फ्लेवर है। और जो आइसक्रीम इन्होंने डाली हुई है ना, वो इतना मज़ा दे रही है आइसक्रीम, बहुत ही चिल्ड बढ़िया लग रहा है मुझे तो ये शेक। और मुझे ऐसा लगता है 130 की कॉस्ट में ना ये शेक साहब का बेस्ट शेक होना चाहिए। तो खैर मैं अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं और इसकी सिप्स लूँगा। तो आप लोग देखिए, भाई ये तो पीने में मस्त हो चुका है। आप लोग भी आइए और शेक साहब के शेक्स ट्राई कीजिए। तो हम लोग ने काफ़ी शेक्स पी चुके हैं और हमारा पेट भी भर चुका है, लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरा, क्योंकि हैवी तो थे लेकिन टेस्टी भी बहुत थे। तो हम रुकेंगे नहीं, हम तो ये ख़त्म करके जाएंगे। काफ़ी हैवी शेक्स है ये। जो न्यूटेला शेक है ना, ये एक बंदा अकेला नहीं पी सकता, मतलब दो बंदे तो शेयर करके पियेंगे इसे। लेकिन हम फूडी हैं तो हम तो पूरे पी के ही रहेंगे। चलो फाइनली हमने ख़त्म कर ही लिए। तो ये था शेक साहब जो कि यमुना विहार में है। और अगर आप लोग कभी यमुना विहार विज़िट करें तो आप शेक साहब आ सकते हैं, इनके शेक्स ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शेक्स होते हैं। और आप न्यूटेला शेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं बोलूँगा। और ये है मेन्यू जो कि शेक साहब के यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर मॉकटेल्स भी हैं, आइसक्रीम शेक्स भी हैं और फ्लेवर्ड मिल्क शेक्स भी हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसे लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय।